जी तो दोस्तों ये हैं जी हमारे लव बर्ड्स के बेबी जो हैं वो माशाल्लाह से बाहर आना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। माशाल्लाह से जो है ना अपने बॉक्स से बाहर निकल रहे हैं और इन्होंने फ्लाइंग वगैरह भी जो है ना शुरू कर दिया। ये है इनका क्यूट सा बेबी सबसे बड़े वाला जो आ चुका है जी बाहर। और बाकी जो हैं जनाब वो कुछ इधर बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों तक जो है दोस्तों ये भी बाहर आ जाएंगे जैसे वो वाला बाहर आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। यार आज मुझे कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को अपने चिक्स वगैरह जो है ना बर्ड्स के वो दिखाएं कि वो माशाल्लाह से कितने बड़े हो चुके हैं और कौन से सेल्फ के होने के करीब हैं। और माशाल्लाह से जो है ना ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये बेबी एक बाहर आ चुका है, बाकी चार जो हैं वो इस बॉक्स में हैं। और कॉकटेल का हमने तो आपको ये पहले भी दिखाया हुआ है, ये माशाल्लाह से सेल्फ है और ये बाहर जो है ना ये देखें ये बाहर आके जो है ना बैठा हुआ है। उसके बाद जनाब ये अब्दुल हादी अब आपको डब का बेबी दिखाएगा पकड़ कर, और वो भी जो है ना उसकी आईज वगैरह ओपन हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये हम जो है ना यहाँ से ये मेडिसिन और ये डाइट वगैरह यहाँ से बहुत जल्द ये वाला केज भी यहाँ से उठाया जाएगा और हमारा जो है ना ये सारा मास्टर केज ओपन हो जाएगा। और ये ही जो बच्चे हैं ये सारे ये रहेंगे जी इस वाले सारे बड़े वाले जो है ना मास्टर केज के अंदर, ये सारे बेबी जो है ना इसके अंदर जो है ना मौजूद होंगे। और यहाँ पर ही हम इनके लिए बॉक्स नेस्ट जो भी इन्हें चाहिए होगा वो इन्हें मुहैया करेंगे। और माशाल्लाह से हमारे इसी जो है ना मास्टर केज के अंदर अब ये जो हमारे पास न्यू जनरेशन आ रही है ये माशाल्लाह यहाँ खूब फले फूलेगी। चलो भाई दिखाओ दोस्तों इसे, ये वाला डब का बच्चा इसलिए बोला है ये इससे भी डर रहा है, ये भी मुझे ही पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। ये वाला पेड़ हमारा ज़रा थोड़ा सा खट्टा है तो एक अंदर जो पेड़ है ना हमारा वो माशाल्लाह पीछे हट जाओ, ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों पीछे हटो, ये देखें दोस्तों ये माशाल्लाह से अभी हमारे डायमंड डब का बेबी है, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसकी जो है ना आईज वो भी ओपन हो चुकी हैं। तो ये है जी, तो इसे अब रखते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये हमारी आपको पता ही है ये सारी तीन चीज लैबरा पीस के बेबी हैं, ये माशाल्लाह अब सेल्फ हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना बहुत जल्द दोस्तों हम इन्हें जो है ना अलग कर देंगे, वो सामने वाले इनकी जो कॉलोनी है उसके अंदर रख देंगे, ये सारा जो है ना बड़ी बड़ी कॉलोनी उसके अंदर जो है ना हम अपनी ये वाली जैबरा पीस भी वहाँ पे रखेंगे। और यार मैंने मटकों का बोल दिया था भाई को, तो इंशाल्लाह चंद दिनों में 8-10 के करीब जो है ना वो मटके आ जाएंगे जो हम लगाएंगे उधर। ये आर्जी तौर पर मैंने ये बड़े वाले इधर रखे हैं, इन्हें भी जो है ना वो सामने कार्नल वगैरह पर लगाएंगे ताकि इसके अंदर भी जो है ना अच्छे से जो है ना अंडे बच्चे दें, ताकि हमारे पास मजीद और जैबरा पीस जो है ना वो और मजीद हो जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह से पहले ही हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो दोस्तों आज हम आपको अपने बंगलाई जो थे हमने जिसके पेड़ अलग किए थे उसके आपको बच्चे तो हमने दिखाए थे माशाल्लाह वो भी सेल्फ हो चुके हैं कुछ, तो आज वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको प्लम हेड के बेबी दिखाते हैं जी। तो दोस्तों ये हैं जी हमारे प्लम हेड के बेबी जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, वो कार्नल पे जो है वो इनकी फीमेल जो है ना इनकी मदर है। तो ये आपको दिखाते हैं अभी इनके बेबी माशाल्लाह से, ये देखें ये तो अब उड़ना भी स्टार्ट कर दिया दोस्तों ने, ये देखें जी ये सबसे बड़े वाला बेबी, ये माशाल्लाह से बड़ा क्यूट और बड़ा प्यारा है, ये देखें इसने उड़ना भी स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए जो है ना मैंने इसे जब उस हिसाब से पकड़ा था कि अभी उड़ ना सके, क्योंकि अभी छोटा बेबी है तो चोट भी लग सकती। उसके बाद जनाब सबसे छोटे वाले को भी पकड़ते हैं, ये है जी सबसे छोटे वाला, क्योंकि इसके अभी जो ना कुछ फीडर्स आने वाले हैं। तो ये देखें ये है जी, ये दोस्तों इसके अंदर चला गया, देखे कैसे मस्तियां कर रहे हैं अंदर। और दोस्तों हमारे
मिस्टर एंड मिसेस मिट्टू के तो दोबारा से एग आ चुके हैं, तो वो इंशाल्लाह हम कल या परसों तक इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी और उनकी कैंडलिंग भी करेंगे, क्योंकि 7 से 8 दिन तो हो चुके हैं इन्होंने एग दिए हुए, तो अभी मज़ीद 1-2 दिन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर कैंडलिंग करेंगे ताकि पता चल जाए कि भाई इनके ठीक हैं या कोई मसला। तो इनके तो खैर माशाल्लाह पहले भी 4 बेबी आए थे, इनके तो खैर ठीक ही होंगे, इनका फर्स्ट टाइम था लैला मजनू का, तो इस दफ़ा जो है ना वो उम्मीद है जो इस दफ़ा देंगे एग वो जो है ना वो फर्टाइल होंगे अनफर्टाइल होंगे। और यार ये वाले हमारा ये वाला पेड़ जो है ना ये भी कुछ नहीं कर रहा यार, ये भी नहीं चलता, ये देखो बस आगे से लड़ाइयाँ करता है ये देखो, पर अभी तक दोस्तों इन्होंने अंडे कंडे नहीं दिए, पता नहीं ये सीज़न क्या करेंगे क्या नहीं, तो अब तो सीज़न का एंड हो रहा है, यही आखिरी माह है 8-10 दिन 20 दिन लगा लें। और ये देखेंगे क्यूटू कैसे बैठा हुआ दोस्तों, ये अब्दुल हादी काम चेक करें, इस बॉक्स में जो है ना एक पेड़ है जो अब्दुल हादी कह रहा है ये मेरे वाला, तो वो उन्हें जो है ना डिस्टर्ब कर रहा है, तो अब हम भी मज़ीद करते हैं इन्हें डिस्टर्ब, क्यों भाई ये तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से, ये चेक करें जी ये देखें, ये माशाल्लाह इनके जो है ना 4 बेबी थे और 4 ही जो है ना वो सेल्फ हो चुके हैं, ये आपके सामने है ये, और दोस्तों ये कुछ ये अब सारे जो है ना बाहर आ चुके हैं और ये आपको अब नज़र आएंगे। ये तो दोस्तों अब्दुल हादी वाला आपने पेड़ देख लिया, उसने माशाल्लाह से 4 बच्चे दिए हैं, और उसके बाद भी हम देखते हैं जी ये वाला, इसके अंदर भी चेक करते हैं जी, ये भी आपको दिखाई देते हैं आज 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 जनाब 6 डे है, तो ये देखें जी इसे ज़रा खोलना मुश्किल हो जाता है, ये चेक करें जी माशाल्लाह से इसके अंदर है जी, इसके बेबी किधर गए हैं वो सामने लगे हुए हैं दोस्तों, इसके अंदर भी 4 से 5 चिक हैं और कुछ जो हैं वो बॉक्स की दूसरी साइड पर हैं, ये देखें ये सामने है, और बाकी जो है ना दोस्तों ये देखेंगे वो सामने बैठे हुए डर के, ये सामने इसके अंदर भी 1, 2, 3, 4 और एक जो है ना वो दोस्तों ये एक बेबी बाहर जा चुका है, टोटल इसके अंदर 5 बच्चे हैं, उसके बाद जनाब एक और है बुक्स इसका भी चेक कर लेते हैं, खोलो जटो इसके अंदर 204 बेबी हैं, ये आपके सामने हैं और ये भी माशाल्लाह से सारे जो है ना सेल्फ हो चुके हैं। और दोस्तों ये देखेंगे माशाल्लाह से हमारी गोल्डियन के जो चिक्स थे वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा वाश हो चुके हैं, इन्होंने जो है ना कलर वगैरह अपने इनके निकल आए हैं, ये इस वक्त जो थे ना मोल्डिंग पे थे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वाश हो चुके हैं, चंद एक जो है ना वो इसके अंदर चंद एक फिंचज हैं जिनके जो है ना चेहरे वो क्लियर होने बाकी हैं, तो उसके लिए हम इन्हें मल्टी विटामिन वगैरह वो दे रहे हैं, और इन्हें जो है ना ये बाथ टब भी दिया जाता है ताकि ये इसके अंदर जो है ना नहाएं और इनके मोल्डिंग में जो है ना इनके लिए आसानी पैदा हो। और जनाब ये हमारे जो है ना ये जो हमने 25 के पेड़ अलग किए थे वो माशाल्लाह से जाने लग गए हैं अपने बॉक्स वगैरह में, तो इनकी प्रोग्रेस की भी जो है ना वो भी आपको दिखाएंगे अगले ब्लॉग में, तो देखेंगे उन्होंने भी ये उन्होंने भी, और ये है जी हमारा बड़े वाला गोल्डन का पेड़, ये देखेंगे माशाल्लाह ये अलग गए इधर, और इनके जो है ना हमने 5 अंडे इन्होंने दिए थे और वो हमने केज नंबर 7 के अंदर जो है ना फोस्ट की हैं, तो इनकी भी हम कैंडलिंग करेंगे, और जो हमने बटेर का एग रखा हुआ था अपने डब के नीचे उसकी भी हम कैंडलिंग करेंगे, वो भी सारे देखेंगे कि उनका क्या रिजल्ट आया, तो उसके अंदर कोई बच्चे बांध भी रहे हैं या नहीं, अगर बांध रहे हैं तो इंशाल्लाह मज़ीद या तो वो ले जाएंगे इनक्यूबेटर ले आएंगे या हम फिर मज़ीद और एग जो है ना हम अपने डब और किचन के नीचे रख के बटेर के छोटे छोटे चूसे चूसे जो है ना वो निकलवा लेंगे। तो अभी भी ये है जी यहाँ पर दूसरी डायमंड डब, और ये देखें ये इसके माशाल्लाह से 2 क्यूट से बेबी हैं इधर,
ये आपको इधर से ही नज़र आ जाएंगे यार, इन्हें पकड़ कर डिस्टर्ब नहीं करते। और यार ये वाला हमारा पेड़ जो है ना, ये दो कलर्स में है, ये मेल है, मेल का डार्क कलर है, और ये फीमेल है, इसका लाइट कलर है। और अब हमें इंतज़ार है कि यार इनके बेबी अब किस कलर के आते हैं, उस चीज़ का हमें वेट है, क्योंकि अभी छोटे होते हैं तो सभी कलर्स के बेबी का कलर एक जैसे ही होता है, और ये बड़े होते हैं तो फिर जो है ना ये क्लियर होते हैं, फुल वॉश होंगे फिर पता चलेगा। और अब देखते हैं कि इनके किन कलर के बेबी आते हैं। जी तो दोस्तों, आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यार हमारे चैनल चच अपडेट पेट्स को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।